दरवाजा खुलता है और सामने एक औरत खड़ी है जो विशाल को देख तुरंत ही उसके गले से लिपट जाती है। वो दोनों साथ में घर का दरवाजा बंद करते हुए अंदर जाते हैं। शिखर और दिनेश विशाल का पीछा करते हुए एक छोटे से मकान के सामने जाकर रुकते हैं। दिनेश शिखर को देखता है मानो ये पूछने के लिए कि क्या उसे पता भी चला है कि उनके हाथ कितनी बड़ी बात लगी है। शिखर की उलझन को सुलझाते हुए दिनेश बोलता है, वो औरत उसकी पत्नी नहीं है, पर मैं ये यकीन से कह सकता हूँ विशाल को बिल्कुल खुशी नहीं होगी अगर मैं ये बात उसकी पत्नी को बता दूं तो। हमें इससे सच कैसे निकलवाना है उसका तरीका मिल गया, अब कल इससे मिल सारे राज निकालते हैं, खुश होते हुए शिखर कहता है। अगले दिन अनन्या और शिखर कॉलेज के लॉन में बैठे हैं। अनन्या बड़ी ही गंभीरता से कहती है, मैं मानती हूँ कि शीना तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है और तुम उसका यकीन करना चाहते हो, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी इस बात का फायदा वो उठा रही हो। शिखर कबीर वाले हादसे के बाद पहली बार अनन्या के साथ बैठा था बात करने और वो इस वक्त उससे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए बड़ी ही शांति से जवाब देता है, तुम शीना को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानती तभी ऐसा कह रही हो। मैं शीना और शीना जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसके जैसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अनन्या इस अंदाज में ये बात कहती है कि एक पल के लिए मानो शिखर उसे पहचान ही नहीं पाता। इससे पहले शिखर पलट के कुछ कह पाता अनन्या का फोन बज उठता है। फोन पे नाम देख अनन्या के माथे पर शिकन आ जाती है और वो अपना फोन उठाते हुए वहां से थोड़ी दूर चली जाती है। मेरा पीछा करते करते कल तुम्हारा दोस्त शिखर आया था और मुझे अब पूरा यकीन है कि उसे जो पता है उसके दम पर वो मुझसे सच निकलवा ही लेगा। फोन के दूसरी ओर से विशाल अपनी भारी आवाज में कहता है। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए अनन्या घबरा जाती है, पर खुद को संभालते हुए बोलती है, तो मुझे इस तरह से धमकी नहीं दे सकते। तुमने जो शीना के साथ किया वो बात सामने आती है तो नौकरी तो तुम्हारी जाएगी ही और कहीं कभी कोई काम पर भी नहीं रखेगा वो अलग। ये सब मैं जानता हूँ, पर अगर मैं डूबा तो तुम्हें साथ में लेकर डूबूंगा, पर सच छुपाए रखने की एक कीमत है, तुम वो देने को तैयार हो जाओ तो तुम्हारा राज ही रहेगा। ये कहते हुए फोन रख देता है। अनन्या डरी हुई वापस शिखर के पास आती है। उसे देखते ही शिखर अपनी बात रखते हुए कहता है, मेरे हाथ कुछ ऐसी बात लगी है जिसके बाद सच सामने आ ही जाएगा, तुम देखना। अनन्या की बेचैनी और बढ़ जाती है। वो मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए शिखर की ओर देखती है। शिखर क्लब में विशाल के काम खत्म हो जाने का इंतजार कर रहा है। शिखर को अपनी ओर आते देख विशाल नकली हंसी हंसते हुए कहता है, शिखर सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शीना का कार्ड तुमने इस्तेमाल किया ये तो मैं जानता हूँ, मैं बस ये नहीं समझ पा रहा। क्यों? शिखर भड़कते हुए कहता है। शिखर को लग रहा था विशाल उसकी बात इतनी जल्दी नहीं मानने वाला, मगर शिखर के बदले हाव भाव देखकर विशाल भी अपनी धुन बदल लेता है। रोनी सी आवाज लिए कहता है, सर मुझसे गलती हो गई, मैं ही था वो जिसने शीना का कार्ड लेकर वो सारे बिल्स भरे थे। मैं नहीं जानता कि ऐसा मेरे मन में अचानक से क्या आया। शीना हमेशा मेरे साथ अच्छे से पेश आई है, पर मैं ही था जो शायद मन ही मन उसके लिए और क्लब में उसके रुतबे को देख जलता था। विशाल के इतनी जल्दी मान जाने से शिखर दंग रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता विशाल अपना रोना जारी रखते हुए कहता है, मैं अपनी गलती मैनेजर सर के सामने भी मानने को तैयार हूँ, बस मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसे मेरी पहली गलती समझकर मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। मैं खुद ये नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा, बस ये एक आखिरी मौका दे दीजिए। शिखर उसकी बात मानते हुए उसे क्लब के मैनेजर के पास ले जाता है, जहां जाकर वो अपनी सारी कही बातें दोहराता है। शिखर मैनेजर को शीना को पूरे सम्मान के साथ वापस ज्वाइन करने को कहता है और उसके लिए क्लब में एक खास पार्टी आयोजित करने का आदेश देता है। शिखर का उस पर इतना भरोसा करने के लिए और उसकी मदद करने के लिए आज शीना उसे धन्यवाद कहने के लिए उसके पसंदीदा सोशल कैफे में लाई है। कैफे की रंग बिरंगी दीवारों और कुर्सी मेजों के बीच शीना की खूबसूरती और वहाँ चार चांद लगा रही है। शिखर मजाक करते हुए बोलता है, तो इसलिए लाई हो मुझे यहाँ ताकि मुझे इस बात का और भी ज्यादा एहसास हो जाए कि आखिर तुम कितनी अच्छी दिखती हो। शीना ये बात सुनकर शर्मा जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो तुम्हें यहाँ शुक्रिया कहने को लाई हूँ, तुमने मेरी जितनी मदद की है उतनी शायद ही कोई किसी की करता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए क्या ही कर सकती हूँ। मैं मुझे पता है तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। कैसा रहेगा अगर हम सबसे पहले तो एक दूसरे का एहसान बताना बंद कर दें? हम एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त तो हैं ही कि इन सब चीजों की कोई जरूरत ना हो। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना मैं? शिखर शीना की आंखों में देखते हुए कहता है। शीना भी हाँ में सर हिला देती है और चहकते हुए बोलती है, ठीक है तुम्हारी ये बात मान ली मैंने,
पर बदले में तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। शिखर के पूछने पर शीना खुशी खुशी अपने पर्स से अपना फोन निकालते हुए कहती है, हमारा अभी तक साथ में एक भी फोटो नहीं है, तो आज हम यहाँ से तब तक नहीं जा रहे जब तक तुम मेरे साथ कुछ अच्छे फोटोज नहीं खिंचवा लेते। शिखर मुस्कुराते हुए शीना की पास वाली कुर्सी पर आ बैठता है और शीना अपने फोन से अलग अलग पोज में फोटो खींचने लगती है। दोनों बिना रुके एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। शिखर बार बार इसी उलझन में है कि आखिर शीना उसके लिए इतनी खास क्यों है, और शीना बस इसी सोच में है कि वो कैसे शिखर के और करीब आ सके। अपनी अपनी उलझनों में दोनों इस प्रकार गुम है कि दोनों में से किसी को याद ही नहीं कि कब उन्हें फोटो लेना बंद किए और कब एक दूसरे की आंखों में खो गए। दोनों का ध्यान तब एक दूसरे से हटता है जब वेटर उनकी टेबल पर आकर उनका ऑर्डर पूछता है। शर्माते हुए शीना अपना चेहरा मेनू से छुपा लेती है। शिखर वेटर से थोड़ा और वक्त मांगते हुए उसे वहां से भेज देता है और वो दोनों कुछ देर ऐसे ही मेनू में अपना चेहरा छुपाए शांत बैठ जाते हैं। एक तरफ अनन्या तो दूसरी तरफ शीना। शिखर ना तो कोई फैसला कर पा रहा था, ना ही दोनों के करीब जाने से अपने आप को रोक पा रहा था। क्लब से निकला ही था कि अनन्या का फोन आ गया उसे खाने पे जाने के लिए और शिखर उसे मना ना कर पाया। रात को अनन्या और शिखर होटल के रेस्टोरेंट में साथ में खाना खा रहे हैं। बड़े ही प्यार से अनन्या शिखर का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, और बताओ आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा मिलना आजकल इतना कम हो गया? मन नहीं करता अपने दोस्त से मिलने का तुम्हारा? शिखर अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोलता है, ऐसी बात नहीं है, वो बस होटल के लिए अगले कदम को लेकर इतना उलझा हुआ था कि एक पल का भी समय नहीं मिला। ये सब रूठना मानना बाद में कर लेंगे, पहले कुछ ऑर्डर कर ले। अनन्या बात को पलटते हुए कहती है। शिखर हंसते हुए सिर हिलाता है और मेनू देखने लगता है। अनन्या भी अपना मेनू उठाकर पढ़ना शुरू करती ही है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। वो धीरे से इधर उधर देखती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है जब पास वाली ही टेबल पर मेनू से अपना आधा मुंह छुपाए विशाल को बैठे देखती है। अनन्या के उसकी ओर देखते ही वो हंसता है और उठकर उनकी टेबल की ओर आने लगता है। ये देख अनन्या को मानो सांप सूंघ जाता है, कहीं शिखर ने विशाल को देख लिया तो मेरा सारा सच सामने आ जाएगा। अनन्या तुरंत घबराकर उठती है। मैं जरा भी दो मिनट में आई, वो शिखर से कहकर वॉशरूम की ओर जाने लगती है। उसके पीछे पीछे विशाल भी वहां आ पहुंचता है। गुस्से में तीड़ते हुए अनन्या उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो ये सब यहाँ नहीं चलने वाला, समझे? डराने की कोशिश, वो भी आपको? ये कैसी बातें सोच रही हैं आप? मैं तो बस एक दोस्त के नाते आपसे और शिखर सर से उनका हालचाल पूछने आया था, कैसे मैंने अनन्या मैडम की इतनी मदद की है और कैसे मुझे बदले में अब कुछ मदद चाहिए। विशाल एक दुष्ट सी मुस्कान लिए ये बात अनन्या को घूरते हुए कहता है। अनन्या हिम्मत जुटाते हुए कहती है, साफ साफ कहो तुम्हें क्या चाहिए? मेरी नौकरी चली गई है और मुझे अपनी बीवी और अपनी गर्लफ्रेंड दोनों तक पैसे पहुंचाने हैं, इससे पहले उन दोनों में से किसी को भी इस बात का पता चले, विशाल बोलता है। अनन्या कुछ पल के लिए सोचती है और फिर अपना पर्स खोलती है, उसमें से एक पैसों की गड्डी निकालकर विशाल के हाथों में रख देती है। ये लो, और मुझे तुम आज के बाद मेरे या शिखर के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए, नहीं तो किसी को पलटकर कैसे फंसाया जाए? मुझे भी अच्छे से आता है, अनन्या विशाल को ढोंस दिखाते हुए बोलती है और उसे वहीं अकेला छोड़ चली जाती है। अनन्या के मन में अब भी यही चल रहा था, कहीं ये विशाल आगे जाकर मेरे लिए कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे, जैसे इसकी हरकतें हैं जल्दी इसका भी कुछ करना होगा। अगले दिन अपने होटल के बिजनेस के लिए और डील लाने की कोशिश करते हुए शिखर एक और छोटे से दफ्तर जा पहुंचा था। सुमित के बिजनेस के साथ डील करने के बाद से ही शिखर ने यह फैसला लिया था कि वो बड़े बड़े बिजनेस की जगह छोटी जगहों से शुरुआत करेगा। इसी सोच के साथ वो अभी इस दफ्तर में खड़ा था। कुछ पल के लिए बिजनेस का मालिक किसी गहरी सोच में पड़ा है, पर आखिरकार वो अपना सर हामी में हिला ही देता है। शिखर खुशी और उत्सुकता से उसका हाथ मिलाता है, ये सोचते हुए कि कैसे अपनी मंजिल के अब वो एक और कदम पास जा रहा है। देखते ही देखते शिखर ऐसी कई और मीटिंग्स में जाता है, दिन भर हर आस पास के छोटे व्यापारियों से मिलता रहता है। शहर के कई छोटे छोटे बिजनेस के मालिक शिखर से मिलते ही डील तुरंत ले लेते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा मनाने की जरूरत पड़ती है, पर अंत तक आते आते उसे अपनी पूरी बात कहने की जरूरत तक नहीं पड़ती और सामने वाला मान जाता है। उसका ये डील काफी प्रचलित हो रहा था आसपास के छोटे व्यापारियों के बीच।
ऐसा ही करते करते जब तक नॉमिनेशन की तारीख से पहले शिखर के हाथ कई इवेंट्स की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। शिखर को यह बात पता है कि उसने बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा काम अपने हिस्से में ले लिए हैं और उसका दिल भी ये उतनी ही अच्छी तरह से जानता है कि वो ये काम कर ही लेगा। अब तुम इतनी सारी बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स कर रहे हो तो ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने लिए नए कपड़े लेने ही होंगे। यही कहते हुए शीना शिखर को कपड़ों की एक बड़ी सी दुकान पर खींच लाई थी। शिखर भी शीना के साथ वक्त बिताने के मौके को हाथ नहीं जाने देना चाहता तो खुशी खुशी उसके साथ कहने पर यहाँ चला आया। शिखर और शीना कुछ देर ऐसे ही दुकान में इधर उधर कपड़े देखते हुए घूम रहे हैं। शीना तरह तरह की शर्ट्स उठाकर शिखर के हाथ में थमा रही है। ये शर्ट और पैंट ज्यादा अच्छे लगेंगे और इसे इसके साथ पहनना। ये कहते हुए शीना शिखर को इन नए कपड़ों समेत ट्रायल रूम में भेज देती है। मैं इतना इसके ऊपर मंजिल देखकर आती हूँ कि वहाँ ज्यादा अच्छे कपड़े हैं क्या? हंसते हुए ये बोल शीना सीढ़ियों के ऊपर जाने लगती है। थोड़ी देर में शिखर जैसे ही ट्रायल रूम से बाहर आता है तो देखता है कि सामने महिला वाले रूम से अनन्या बाहर निकलती है। अनन्या शिखर को देखकर मुस्कुराती है। जब से उसने शिखर और शीना को साथ में होटल से जाता देखा था तब से उसे पता था कि उसकी बेचैनी दूर करने का एक ही तरीका है और वो है उनका पीछा करके ये देखना कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। वो उनके पीछे दुकान में आ गई और जैसे ही उसने देखा कि शिखर ट्रायल रूम में जा रहा है वो भी उसका इंतजार करने सामने वाले रूम में चली गई। शिखर अनन्या को यहाँ अचानक देखकर चौंक जाता है और फिर हंसते हंसते उसकी ओर बढ़ता है। ये शर्ट अच्छी लग रही है तुम पर, अनन्या प्यार से कहती है। शीना ने ढूंढ कर दी है, शिखर शर्ट को आईने में देखते हुए बोलता है। रंग कोई और ज्यादा अच्छा लगता, जैसे ये शायद। अनन्या पास के रैक